हाउस इफेक्ट यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सर्फेस तो हमें पता है कि जो सूरज की के किरणें आती है सूरज की रोशनी आती है बेसिकली वो हमारे अर्थ के सर्फेस को वार्म करती है गर्म करती है A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and its part is reflected back into टू space. तो कुछ part जो है radiation का वो क्या करता है जैसे ही वो हमारे earth के ऊपर पड़ता है तो हमारी earth जो है वो उसको उस heat को absorb कर लेती है While कुछ part ऐसा होता है जिसको वो क्या करती है वो वापस से space में भेज देती है नाउ अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप बाय द एटमोसफियर अब होता क्या है जब वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही होती है तो उसका भी कुछ पार्ट जो है रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का भी कुछ पार्ट जो है हमारे एटमोसफियर के अंदर ट्रैप हो जाता है रह जाता है द ट्रैप रेडिएशन फॉर द वॉम द अर्थ अब जितना जो एब्जॉर्व किया था अर्थ ने बेसिकली सन का रेडिएशन वो तो है ही वो उसको लाइफ बेसिकली हमारी जो लाइफ पॉसिबल है अर्थ में वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बट द प्रॉब इज़ कि जो उसने रिफ्लेक्ट बैक किया था कि वो वापस चली जाए रेडिएशन वो भी हमारा एटमोसफेयर ट्रैप कर लेता है अब वो जो ट्रैप रेडिएशन रह गई वो क्या करती है वो हमारी धरती को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है एंड इफ यू हैव सीन अ ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी और एल्स एल्सवियर रिकॉल दैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज़ नॉट अलाउड टू गेट आउट सो so बेसिकली अगर आप नर्सरी वगैरह में कभी गए हो या फिर आप ग्रीन हाउस में गए हो सो आपने वहाँ क्या देखा होगा कि उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जो रेडिएशन है सन की वो अंदर तो आए बट वो बाहर ना जाए बट उसके लिए होता क्या है वहाँ पर होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको वो बहुत अच्छे से यू नो वार्म करते हैं एंड दैट इज़ गुड फॉर प्लांट्स बेसिकली बट अगर ओवर हीट हो जाए सो तो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम नाउ द ट्रैप्ड हीट वम्स द ग्रीन हाउस तो वो जो ट्रैप्ड हीट है जो ग्रीन हाउस के अंदर एंटर करती है वो क्या करती है वो उस ग्रीन हाउस को वॉम करती है गर्माहट देती है द ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशन बाय द अर्थ सर्फेस सिमिलर तो सेम ही अगर जो हम बात करते हैं कि हमारा एटमोसफियर जो है वो रेडिएशन्स को रख लेता है तो वो भी एक ग्रीन हाउस की तरह ही यू नो बिग बेसिकली दोनों का साइमल्टेनियसली या हम कह सकते हैं सिमिलर वर्क है ठीक है दिस इज़ वाई इट इज कोल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट और इसी वजह से हमें इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द ग्रीन हाउस विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ और अगर ये प्रोसेस ना हो तो हमारी जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो बेसिकली क्या है वो पॉसिबल ही नहीं होगी बिकॉज अगर अर्थ जो है वो सन की यूनो रेडिएशन को एब्जॉर्व ही नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी और इफते चिल में लाइफ जो है वो पॉसिबल होगी ही नहीं

और एक्सेस ऑफ सी ओ टू इन दर इज़ वन ऑफ द गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट बट द थिंग इज कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एटमोसफियर में भी रेडिएशन को जो बैक यू नो फेंका जाता है वो क्यों रह जाती है बिकॉज आपके एटमोसफियर में जो सी ओ टू है कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी है वो बढ़ता जा रहा है दिन बे दिन जिसके वजह से वो क्या करते हैं दैट इज़ अ वन गैस जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यू नो दैट सी ओ टू इज वन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ एयर तो हम जानते हैं कि एयर का यू you नो know, कुछ भाग ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है जिसमें सीओ टू प्रजेंट होता है एंड यू हैव ऑल्सो स्टडीड और आपने ये भी पढ़ा था कि जो रोल होता है सी ओ टू का या कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्लांट्स में क्या होता है तो प्लांट क्या करता है उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सी ओ टू की ज़रूरत होती है बट द थिंग इज़ कि हम क्या करते हैं हम आजकल डिफोरेस्ट्रेशन कर रहे हैं हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं तो वो उतना सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है जितना हमारे एटमोसफियर के अंदर हो गया और उसकी वजह से क्योंकि हमारे एटमोसफियर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्वान्टिटी है वो एक्सेस में हो रहा है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो वो क्या करता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी धरती को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग बट इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ सी ओ टू इन दर इट एक्ट एज़ अ पोल्यूटेंट बट अगर जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा आपकी हवा में ज़्यादा हो जाती है तो एक पोल्यूटेंट की तरह भी एक्ट करता है कैन यू हेल्प पहेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन तो अब आप पहेली की क्या हेल्प कर सकते हो ताकि उसको आंसर्स मिल मिल सके बेसिकली उसके क्वेश्चन के तो ना इज बेसिकली सेइंग कि एक हाथ पे तो क्या हो रहा है और वन हैंड जो सी यू टू है वो कॉन्टीन्यूसली रिलीज हो रहा है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जैसे अगर हम ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो वहाँ से क्या हो रहा है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है इवन जो हम एक्सल करते हैं दैट इज ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड वाइल ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रेजिंग और दूसरे हाथ पे अगर हम बात करते हैं तो जो फॉरेस्ट है जो कि आपके प्लांट्स जो है वो क्या कर सकते थे उस सी ओ टू को जो हम लोग निकालते हैं वो उसको एब्जॉर्व कर सकते थे तो हम उनको भी प्लांट्स को भी कट करे जा रहे हैं सो प्लांट यूटिलाइज सी ओ टू फ्राम द एटमोसफियर फोटो फॉर अ फोटोसिंथेसिस तो प्लांट बेसिकली क्या काम करते हैं वो सी को एटमोसफेयर में से ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जिसकी वजह से हमारे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो कम हो जाती है मगर क्योंकि आजकल डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है सो डिफोरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अ सी ओ टू तो हो क्या रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से आजकल जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो हमारे एयर के अंदर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रीज़ जो कंज्यूम करते हैं सी वो रिड्यूज़ हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स को कट किया जा रहा है तो अगर प्लांट्स कम हो जा रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कम यूज़ कर पाएंगे क्योंकि आपने तो कट कर दिया जिसको कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करना था जिसकी वजह से आपके एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है एंड दैट कॉज अ प्रॉब्लम फॉर Everybody. नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस कॉन्ट्रीब्यूट टू द इक्यूमुलेशन ऑफ सी ओ टू इन द एटमोसफियर और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से भी जो सी ओ टू है वो एटमोसफियर के अंदर इक्यूमुलेट हो रहा है इकट्ठा हो जा रहा है सी ओ टू ट्रैप हीट एंड डज नॉट अलाउ इट टू स्केप इन टू अ स्पेस और सी ओ टू की या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम किया है कि वो हीट को ट्रैप कर लेता है रोक लेता है जिसकी वजह से वो उसको स्पेस में जाने ही नहीं देता धरती से बाहर जाने ही नहीं देता एज अ रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग और इसी के वजह से जो अर्थ का एटमॉसफेयर है आजकल वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और हमारी धरती पर जो बहुत यू you नो know, गर्म होते वो और ज़्यादा गर्म पर गर्म होते जा रही है सो दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग तो इसी चीज़ को हम ग्लोबल वार्मिंग भी बे बोलते हैं अदर गैसेज जैसे कि बाकी जो गैसेज होती है लाइक मिथेन नाइट्रोस ऑक्साइड वेपर दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूअर्ड दिस इफेक्ट तो आपको ये गैसेस के नाम रखने हैं दैट विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड मिथिन नाइट्रस ऑक्साइड और वेपर तो ये क्या करती है ये ग्रीन हाउस गैसेज है वी कैन से और ये ग्लोबल वार्मिंग के को बेसिकली uh, प्रमोट करती है तो ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं इन्हीं गैसेस के वजह से होता है लाइक सी यू टू दे आर कोल्ड एज द ग्रीन हाउस गैसेस तो इसी वजह से इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं Now global warming, a serious threat. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली तो होता क्या है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से हो क्या रहा है अर्थ के अंदर जो हीट है बेसिकली वो ज़्यादा हो जा रही है गर्म हो रहा है जिसकी वजह से जो सी का लेवल है वो बढ़ रहा है क्योंकि जितने भी ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं जितने भी बर्फ की जो चीज़ें हैं वो पिघलेगी पिघलेगी तो क्या होगी वो सी में चली जाएगी एंड अल्टीमेटली आपका जो सी का लेवल है वो बढ़ जाएगा एंड इन मैनी प्लेसेज कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लोडेड और बहुत जगह पर तो जो कोस्टल एरियाज़ में वहाँ पर बाढ़ तक आ जाती है एंड And... ग्लोबल वार्मिंग कड रिजल्ट इन अ वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन अ रेनफॉल पैटर्न एग्रीकल्चर फॉरेस्ट प्लांट एंड एनिमल्स और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा यू नो फ्लक्चुएशन आ रहा है कहीं पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है कहीं पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है कहीं पर बहुत खराब हो रहा है तो जो मेजोरिटी चलता था लाइक like फॉरेस्ट है प्लांट्स है एनिमल्स से तो उन सबके हैबिटेट में कहीं ना कहीं अंतर आ रहा है दैट इज़ नोट नॉट अ गुड थिंग फॉर अस ना मेजोरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन अ रीजन विच आर थ्रेटेड बाई अ ग्लोबल वार्मिंग आर इन एशिया तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यू नो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और वो जो बेसिकली एशिया के अंदर रहते हैंट इज ऑल्सो वन ऑफ अ एरिया जो बहुत ज़्यादा यू नो हीटअप हो रहा है ना आ रिसेंट क्लाइमेटिकेंज रिपोर्ट गिवस ओनली अ लिमिटेड टाइम टू कीप द ग्रीन हाउस गैसेज एट द प्रजेंट लेवल तो अभी अगर हम रिसेंट क्लाइमेटिक चेंज रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने बहुत ही लिमिटेड टाइम दिया है हमें ताकि हम ग्रीन हाउस गैसेज को यू नो जो प्रजेंट लेवल है उस पर ही रखें अदरवाइज़ द टेम्परेचर में राइस बाई मोर देन टू डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ द सेंचुरी और अगर हमने अभी मेनटेन नहीं किया मतलब अगर हमने उन पॉलिटेंट्स का यूज करना बंद नहीं किया या फिर हमने रिफोरेस्ट्रेशन को अभी नहीं रोका सो वॉट विल हैपन हमारा यू you नो know, जो टेम्परेचर है अर्थ का वो टू डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा जब ये सेंचुरी खत्म होगी अ लेवल कंसिडर डेंजरस और अगर इसका दो डिग्री जो है वो बढ़ जाता है सो so वो एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन आ जाएगी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन ठीक है सो दैट इज वाई हम बोलते हैं या फिर हर कोई बोलता है कि वी शुड प्लांट ट्रीज वी शुड प्लान ट्रीज या फिर हमें यू नो व्हीकल्स का इतना ज्यादा ओवर यूज नहीं करना चाहिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए तो बेसिकली हो गया रहा है ताकि पोल्यूटेंट का जो यू नो क्वान्टिटी है वो हमारे एयर में कम हो सके बट द प्रॉब्लम इज हम लोग बोलते हैं बट एक्चुअल में ये चीज़ लोग करते नहीं हैं दे आर नॉट गोइंग टू प्लांट ट्रीज वो सिर्फ बोलते हैं द प्रॉब्लम इज़ कि अगर हम सब यू you नो know, uh, इस इफ एक्टिविटीज़ को बढ़ाए बेसिकली लाइक हम खुद ट्रीज लगाए हम ग्रीनरी रखें अपने घर के सामने या फिर हम अपने पॉट्स जो यू नो पौधे वगैरह है उनको अच्छे से रखें सो इससे क्या होगा प्लांट्स बढ़ेंगे उनका सी टू कंज्यूम करेंगे सो क्या होगा थोड़ा थोड़ा अगर हम सब एक साथ मिलकर करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो इन्वायरमेंट है एटमोसफेयर वो अच्छा होगा नाउ ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर अ गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एक बहुत बड़ा यू नो कंसर्न बन गया इवन गवर्नमेंट के लिए भी मैनी से मैनी कंट्रीज रीच एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज और बहुत सारे जो कंट्रीज है उन्होंने एग्रीमेंट वो एक एग्रीमेंट पर पहुँचे है कि उन्हें क्या करना है कि ग्रीन हाउस गैसेज का कम से कम यूज़ करना है प्रोटोकॉल इज़ वन ऑफ सच एग्रीमेंट तो ये जो क्या प्रोटोकॉल है इसके अंतर्गत कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो क्या करती है जो इस चीज़ पर एग्री किया है कि हाँ जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं बेसिकली उनका एमिशन मतलब उनको आ, एमिशन इज़ बेसिकली कि उनको रिलीज़ करना एटमोसफियर में थोड़ा हम कम करेंगे या हम क्या करेंगे हम ऑल्टरनेटिव चीज़ यूज़ करेंगे लाइक like सी एन जी हो गया एल पी जी हो गया जो कि कम फ्यूल वी कैन से कि वो कम पोल्यूटेंट पोल्यूट करे हमारे इन्वायरमेंट को भूजू इज सरप्राइज टू हियर दैट एंड इंक्रीज इन दटमोस्फियर ओर टेम्परेचर बाई इवन एज लिटल एज अ पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट अब भूजो सोच रहा है कि सिर्फ पाँच यू नो पॉइंट फाइव परसेंट डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ा है तो इससे इतना ज़्यादा क्या इफेक्ट हो रहा है सो पहली टेल हिम दैट शी हैड रीड इन द न्यूज़ पेपर रिसेंटली दैट द गंगोत्र ग्लेशियर इन द हिमालय हैज़ स्टार्ट मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग तो तो पहली बेसिकली क्या बोल रही है कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि गंगोत्री ग्लेशियर जो हिमालयस पे है वो अब मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सो यू कैन सी कि सिर्फ पॉइंट फाइव परसेंट ही पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर राइज हुआ है जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वो क्या हो गए मेल्ट होने लग गए जिससे क्या होगा जिससे जो आपका सी है रिवर है उसका पानी बढ़ जाएगा और वहाँ पर फ्लड आने के चांसेस है या फिर वो क्या होगा उससे इतना ज़्यादा लेवल हाई हो जाएगा कि सारे में पानी हो जाएगा एंड एवरी विल एवरी थिंग विल डिस्ट्रॉयड अल्टीमेटली